हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी गुड नाइट हो रहा है, लेकिन गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्लॉग आप लोग सुबह देख रहे हैं। और अभी मनीषा के घर से बहुत सारा कुछ आ गया पूरा अर्घ देने के लिए, और छठ महापर्व का आज संध्या अर्घ भी देना है। तो सभी लोगों को छठ की कोटि कोटि शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। और अभी आपको चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हुई है। वैसे तो छठ पूजा के लिए बहुत धूमधाम से तैयारी होती है और बहुत सारा रिवाज ऐसा होता है जो कि बिल्कुल ही अलग होता है, और हर एक पूजा से डिफरेंट है ये वाला पूजा। तो आपको चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए, मम्मी पहले ही बैठी हुई है, सब सामान वगैरह इधर उधर अरेंज कर रही है, क्योंकि इतना आया है कि अब अरेंज करने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर ये अभी इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, नारियल, शरीफा, कुकुम्बर, पाइनएप्पल, मूली, हल्दी, केला, बहुत सारा कुछ है। अभी इधर भी है सूखा नारियल, और ये नींबू गागल जिसको बोलते हैं, इधर एप्पल, इतना एप्पल है पूरा। एप्पल कहाँ है? अच्छा यहाँ है। गोभी टमाटर कहाँ से, क्या होगा? अच्छा, तो मम्मी यहाँ पर सब अरेंज कर रही है फ्रिज वगैरह में, और यहाँ पे मनीषा है। खा लेना टमाटर खूब अच्छा से, टमाटर गोभी खाते हैं, दाल फ्राई। यहाँ पर देख सकते हो भाई, अब आज तो भंडार हो गया पूरा। देखिए गाइस, कह रहे पापा को बाल रंगने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है दुकान से, बाबा बोल रहा मन हार जाता है, हम कर रहे थे एक एक रुपए का मेहनत कमाना पड़ता है। क्या पापा कह रहे हैं छठ के बाद आने के लिए? बोल रहे थे हमको भी छठ के बाद, तब फरवरी मार्च में ना, छठ के बाद छठ का मतलब फरवरी मार्च ये देखिए पापा के सामने तेज बन रही ढेर, ठीक बजा जाए तब तरह बताओ तुम। बाउंड्री बना तो देखिए गाइज, अब अनबॉक्सिंग हो रहा है, क्या क्या गिफ्ट्स आया है वह मनीषा के घर से। तो यहाँ पर है मुझे साड़ी, और इसमें क्या क्या है, और चूड़ी भी आया है, वाह, चूड़ा निकालिए थोड़ा, चूड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा सेट आया हुआ है। और यहाँ पर बाकी सारा सुहागन, अच्छा ये भी आया है, आलता आलता क्लचर, लिपस्टिक सब, चलो तो तुम्हारा मौज हो गया। दो गया है मम्मी का, बहुत साड़ी है, साड़ी नहीं का, मेरे पास साड़ी का कुछ है। मम्मी तो दुकान छान सकती है अभी। 500 से पैसे सारे सारे के कौन दस है? देखिए ना पीएल पीएल का ऊपर है। मम्मी को जीन्स उन सब मंगवाना पड़ेगा। मारे ये तो मुझे सीधा बेल से बनाना जीन्स नहीं। आजकल तो कितना लोग जाइए ना विदेश में, सब लोग जीन्स पहनता है। सूट साड़ी हम नहीं खरीदते। जो पहने का वो ये साड़ी का बॉर्डर दिखाओ, देख सकते गाइस, सिंपल है, यही बॉर्डर है, इसमें भी बिंदी ऐसा होगा। अच्छा वर्क, पूरा साड़ी पे वर्क किया गया ना, वर्क नहीं है, हाँ ये वर्क मैंने वही सारा साड़ी पे लगा हुआ, ये वाला साड़ी तो अब मेहंदी लगाने जा रही है मनीषा। एक हाथ में लग गया था, एक हाथ में बचा हुआ। आज है छठ पूजा, तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा, मम्मी को भी,
अभी आज लेट हो गया है मेरा बनाने के लिए, वही सोच रहे हैं। और मिट्टी का चूल्हा उतराया था तो फूट गया है, तो सस्पेंशन में पड़े हैं कि ईंटा पर बनाए के मिट्टी के चूल्हा पर बनाए के गैस पर बनाए। आज तक बनाया नहीं है गैस पर, लेकिन वही सोच रहे हैं कि क्या करें। देखते हैं गैस रखा हुआ है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर सोच रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन हुआ है तो मेरा कितना सब नियम बदल गया कि एक छठ करना पड़ा दूसरे की चूल्हा। अब सोच रहे हैं कि गैस पे बनाए, फिर सोच रहे हैं कि तो क्या करें। अभी तक इसमें सोचने क्या है, वैसे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो वही सब। मम्मी एक दो छठ की है, आज फास्ट है मम्मी, पूरा निर्जल व्रत कल तक। मम्मी को जबकि मेडिसिन वगैरह सब सुबह में दवाई भोर में खाए 3 बजे और खा के फास्ट रखे हैं। इसमें तो कुछ खाया नहीं जाता है दवा हुआ, लेकिन जरूरी है खाना तो सब माफ है। खाके अब भूखे हैं, देखते हैं अब इस समय किस पे बना रहे हैं, यही सोच रहे हैं बैठ कर। आज छठ पूजा है, बाकी आज शाम को तो छठ घाट पे जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर, तो अभी जा रहे हैं। पहले कुछ कुछ बर्तन है जिसे सब खंगारना है, तो खंगार देते पहले। चूल्हा टूट गया था लेकिन मम्मी इसको रिपेयर करके बना रही हैं। कहीं से नहीं लग रहा है कि टूटा हुआ है, क्योंकि कभी गैस पे बना नहीं है पूजा का सामान, इसलिए मम्मी बोल रही है कि डर है अंदर से, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसलिए चूल्हा को फिर से रिपेयर करके फिर इस पे बनेगा। बाकी सब लकड़ी वगैरह यहाँ पे आया है, अभी आ गए हैं। उसकी मम्मी भी तब से बोल रही थी आने के लिए, लेकिन आ नहीं रहे थे, पीछे पापा जी भी है। सब जा रहे हैं नींबू लेके, पूजा का बर्तन भी धोना है, लोटिया वगैरह, इससे काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है कोई भी बर्तन। तब चलते हैं पहले, और सब मैंने लीप दिया था जो होता है, उसके बाद किचन में आप देख रहे हैं मस्त बन रहा है गोभी और आलू का सब्जी। वाह टेस्टी टेस्टी दोस्तों। अभी यहाँ पे जो बर्तन था मम्मी इसमें खा रही थी, वो बर्तन बहुत ज़्यादा अभी गंदा था, मतलब गंदा नहीं था, ये और भी चमक सकता है। इसका राज ये है कि नींबू इससे इसको रगड़ेंगे ना तो पूरा साफ हो जाएगा। बाकी उधर मम्मी भी बात कर रही है, सब अभी ठेकू छनाएगा, सब कुछ होगा, बहुत सारा काम होगा। वैसे हर बार मॉर्निंग में हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। आप लोग बने रहो ब्लॉग में, बाकी ये ब्लॉग हमारा ये बना रहे हमारे देवर जी। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ठेकुआ के बारे में ना पता हो, और ख़ास करके जब बात करें छठ पर्व की तो ये एक बहुत बड़ा प्रसाद होता है। हर साल की तरह पापा और मम्मी दोनों लोग इसको बना रहे थे। पापा को ठेकुआ बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पापा बैठे हुए थे। ये प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, और मनीषा भी एकदम लगी हुई थी साथ में नारियल वगैरह को बारीकी से चॉप करने में। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी प्रसाद सब बहुत अच्छे से, बहुत विधि विधिवत से बनता है सब कुछ। इसमें बहुत खास करके ध्यान रखना पड़ता है। पापा एक तरफ खजूर का तैयारी करते, मम्मी को चूँकि गैस के पास बैठना भी नहीं है या फिर आग के पास, क्योंकि उनके आँख का भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सूरज देवता मेहरबान थे और सूरज देवता का आशीर्वाद सब पे बना रहे। डूबते और उगते सूरज की पूजा होगी इसमें। यहाँ खजूर के लिए मम्मी अभी सान रही है। इसमें कहते हैं वो जो कद्दूकस किए थे वो भी डलाया है, नारियल का डला गया खड़ा है उसमें डलाया है। तो देखिए आपने पानी खजूर में नहीं देखे आप, कद्दूकस किया हुआ दिखा, पापा जी भी हैं यहाँ, मिला दिया गया है। अभी धूप लग रहा था तो ये चादर लगाया गया, क्योंकि मम्मी फास्ट है एंड फास्ट में इतना सब कुछ करने के बाद भूख थोड़ा प्यास लग जाती है। ये मेरा मुंह दिखा रहे हैं कैमरे में। अभी ठेकुआ बनने का तैयार, खजूर बनने का तैयारी हो रहा है। अभी जा रहे हैं आटा सानने घर में, बाबू भी यहाँ बैठ के हेल्प कर रहे हैं। अभी भैया काट रहे थे, ये तो हाथ से ही पूरी बना रहे थे। मुझे बोल रही इतना गीला पॉलीवर हुआ है, वो सूजी है ना उसमें सूख जाएगा, बन आप ठोकिएगा तब तक देख लीजिए अगर उसका हाल।
मेहनत नहीं लगेगा ठोकने में। इसलिए साचिन का चावल जो कि काम आता है छठ पूजा में। छठ पूजा याद है आपको तो घाट जाना है। गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए, हैप्पी छठ पूजा बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग, पूरा बहुत अच्छा पैर दबाई है मेरा मनीषा। दबाएगी? दबाई है। कहाँ दबाए जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं? खूब सेवा की है मेरा, इसीलिए हमको सोने नींद आ गया है, तो इसीलिए आगे पूछ रही कि कितना देर सोइएगा ना। वैसे भी आदत ठीक व छन गया है, बस थोड़ा अभी ज़्यादा है। और यहाँ मतलब ठीक हुआ बनेगा पूड़ी, इसको हम पूड़ी बोलते हैं। ठीक हुआ बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मम्मी ये वाला? अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हारे लिए बना रहा। वैसे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था तो मम्मी बोले थे ठेकुआ नहीं बनेगा ऐसे, लेकिन बोले थे उनकी मम्मी बनेगा, मम्मी बना भी रही हैं। सबसे खास बात की चूल्हा एकदम मस्त कर दी, दो टुकड़ा हो गया था चूल्हा। पापा जी भी इतना मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे थे क्या सोच रही हैं बैठ के, कितना नियम चेंज करेंगे, ऑपरेशन हुआ है तो। एकदम अकेले यहाँ चेयर पे बैठ के मम्मी सोच रही थी, तुम पूछी तो मम्मी बोली कि सोच रहे हैं किस पे बनाएं, गैस पे बनाएं या चूल्हा पे बनाएं, आखिर में चूल्हा पे ही बनाना पड़ा।